हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए उनको। तो इसमें सबसे पहले आता है डाइट। डाइट में आपको क्या क्या नहीं खाना है, तो इसमें होता है अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गया कच्चा दूध। इसमें देखा गया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ कर सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। देन आता है कच्चे अंडे। अगर आप एग्स खाते हो तो आप उनको या तो बॉईल करके खाएं या कुक करके खाएं। कच्चे एग्स, रॉ एग्स जो होते हैं, जैसे कि आइसिंग, केक के आइसिंग में यूज़ होते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज़ होते हैं, तो वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें भी आप ये गैस्ट्रिक अपसेट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ फिशेस, जैसे कि शार्क फिश कई लोग खाते हैं उसको, सी फूड खाते हैं, तो इसमें मर्क्यूरी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो जो हाई मर्क्यूरी कंटेंट वाली फ़िश है, फ़िश खाना मना नहीं है प्रेगनेंसी में, आप फ़िश खा सकते हैं, लेकिन जो हाई मर्क्यूरी कंटेंट वाली फ़िश होती है जिसमें मर्क्यूरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ये मर्क्यूरी बच्चे के लिए टॉक्सिक होता है, तो इन फिशेस को आपको अवॉइड करना है। और अनकुक्ड मीट, कच्चा मीट नहीं खाना है। अगर आप मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उसको अच्छे से पका के खाना है। अदर देन दिस, आपके जो वेजिटेबल्स हैं आपको अच्छे से उनको वॉश करना है और फिर ही कंज्यूम करना है। तो ये मोटे तौर पे आपको जो भी कच्ची चीज़ें हैं वो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ टाइप के पैरासाइट्स भी होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी है। उससे बहुत खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ भी देखी गई हैं, आपको दौरे भी पड़ सकते हैं मिर्गी के, आपके बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सब आपको अवॉइड करनी है। और इसमें डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा एक अलग से वीडियो है कि आपको प्रेगनेंसी में क्या अवॉइड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है या फिर बैठे भी नहीं रहना है। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको लंबे टाइम तक पैर लटका के बैठे रहना पड़ता है या खड़े रहना पड़ता है, तो आप अपने काम से हर 1 से 1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके घूम के आइए। कि इससे क्या होता है कि आपके जो पैरों में जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पूल हो जाता है, उसको वापस ऊपर पुश करने में बॉडी को हेल्प होती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो नसों पे वज़न डालता है, जिसके चलते पैरों का जो ब्लड है वो ऊपर हार्ट में पुश नहीं हो पाता और पैरों में ही इकट्ठा रहने लगता है, जिसके चलते आपको स्वेलिंग दिख सकती है पैरों में और पैरों की नसें फूल सकती हैं, उसकी स्किन ख़राब होने लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने काम से हर 1 से 1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आपके बैठे रहने का काम है तो आप उसमें नीचे पैरों के नीचे सपोर्ट रख सकते हैं, एक स्टूल लगा के बैठ सकते हैं, या फिर आपको लेटने का टाइम मिलता है अगर दोपहर में या रात को, तो आप उसके पैरों के नीचे 1 या 2 तकिए लगा के उनको एलिवेट कर सकते हैं, ऊँचाई पर रख सकते हैं, ताकि जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है उसमें, पूल हुआ है, वो वापस से ऊपर की तरफ पुश हो जाए। मेरी तीसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो आप उनको बंद कर दीजिए। प्रेगनेंसी में जितना हो सके आप फ्लैट चप्पल और सॉफ्ट सोल वाली चप्पल ही पहने, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपका बेबी पंप दिखने लगता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाता है, तो इसमें इसके चलते अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ने के और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी फोर्थ एडवाइस ये है कि आप बिना डॉक्टर को बताए, बिना उनकी एडवाइस लिए कोई भी मेडिकेशन ना लें, अपने आप से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होती, बच्चे को नुकसान कर सकती हैं। यहाँ तक कि सिंपल से सिंपल आप जो पेन किलर लेते हैं, सर दर्द, पैरों में दर्द, पीठ दर्द के लिए आप कोई भी अगर पेन किलर लेते हैं तो वो बच्चे को नुकसान कर सकता है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी कर सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ तक भी कॉज कर सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पेन किलर लेना है तो आप सिंपल पैरासीटामोल, डोलो 650 या फिर क्रोसिन नाम से जो आते हैं वो ले सकते हैं, वो सेफ़ रहते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा पेन किलर ना लें। और दूसरी अन्य बीमारियों के लिए अगर आप कुछ और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, वो आपको आपके प्रेगनेंसी के हिसाब से जो भी बेस्ट होगा वो दवाई देंगे। मेरी अगली एडवाइस ये है कि अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कितनी भी क्वांटिटी में हो, तो आप उसको बंद कर दीजिए। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो आपको अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें देखा गया है कि अगर वो अल्कोहल ड्रिंकिंग करती हैं तो बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेवलपमेंट डिलेज हो सकते हैं,
और प्री टर्म डिलीवरीज भी देखी गई हैं, मिस कैरेजेस भी देखे गए हैं, और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नाम से एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे में बहुत सारी बनावटी खराबियां हो जाती हैं, ये तक भी देखा गया है। तो आपके लिए बेटर यही है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये बंद कर देना चाहिए। इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ले रहे हो तो भी आप इसको बंद कर दो। मेरी अगली इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो या फिर पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, या आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है, या ऑफिस में कोई करता है, तो उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। जो भी आप स्मोक करते हैं, एक्टिव या पैसिव, वो धुआँ आपके लंग्स में जाता है और अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू बच्चे को जाता है, तो उससे बच्चे में नुकसान हो सकता है, उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, यहाँ तक कि मिसकैरेज, प्री टर्म लेबर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं। तो आप बेटर यही है कि आप खुद भी स्मोकिंग बंद कीजिए, और अगर आपके आसपास भी कोई स्मोक करता है तो उनसे दूरी बना के रखिए। तो मेरी सेवेंथ इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आप कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, यानी कि चाय या कॉफ़ी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप उसको लिमिट कर दीजिए, या तो बंद कर दीजिए या लिमिट कर दीजिए। लिमिट में 2 कप पर डे से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ये आपकी अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। हल्की फुल्की मात्रा में कैफ़ीन बच्चे को फ़ायदा करती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ली जाए, यानी कि अगर 2 कप से ज़्यादा अगर उसको लिया जाए, तो बच्चे में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो इसलिए ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो आप उसको लिमिट कर दो। मेरी 8th इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, स्पेशली अगर कैट है, तो आप उसके फीकस, उसके लिटर से दूर रहिए। या तो आपके घर में कोई और उसको साफ़ करे, या फिर अगर आपको ही करना पड़ता है तो आप भी ग्लव्स पहन के करिए, डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आइए। क्योंकि कैट के जो लिटर है उसमें देखा गया है कि टॉक्सोप्लाज्मा नाम का एक इन्फेक्शन होता है, जो कि बच्चे में कंजनाइटल इन्फेक्शंस, कंजनाइटल अनोमलीज कॉज कर सकता है। तो आप उसको अवॉइड करिए। कैट के साथ या आपके पेट के साथ आप खेल सकते हैं, उसमें मना नहीं है, लेकिन उनकी जो गंदगी होती है, लिटर होता है, आपको उसको अवॉइड करना है। मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि आपको हॉट टब बाथ अवॉइड करना है। आपको एकदम गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में बाथ नहीं करना है। अगर आपको टब बाथ लेना है तो आप हल्के गुनगुने पानी से करिए। बहुत बार ये होता है कि प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी में पेन होता है, कभी पैरों में होता है, कभी पीठ में होता है, तो उससे आराम पाने के लिए महिलाएं जो हैं वो गर्म पानी का, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको हल्के गुनगुने पानी से टब में नहाना है, क्योंकि बच्चे में और आप में दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके किसी काम का रहा होगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हैं जो कि गलत है, तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो अगर आप इसमें, इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं, तो आप उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। थैंक यू।